नेक्स्ट डबल्स। मेरा नाम अमित सोनी है। मेरा नाम आरिफ खान और हम दोनों राजस्थान बीकानेर से आए हैं। 97 से मैं पेंटिंग करता आ रहा हूँ और वॉल पेंटिंग किया करता था। दिन भर के मुझे 20-25 रुपए मिला करते थे। तो जितना ही पेंटर का सर्किल बना था वहाँ मैरिज हुआ करती थी, किसी ना किसी शादी होती रहती थी। तो शादी के अंदर मैं डांस किया करता था। किसी को डांस पसंद आया और किसी इंसान ने मेरे को 200 रुपए दिए थे। तो जब मुझे लगा यार दो गानों पर डांस किया और 200 रुपए मिल गए और दिन भर रंग करते हैं तो 20 रुपए मिलते हैं, तो फ़र्क था उस चीज़ में। मैं एक पैसे से टेलर हूँ, पिछले 8-10 साल से टेलरिंग का काम कर रहा हूँ। अमित जी को किसी कॉलेज के फंक्शन में डांस करते हुए देखा, तब से इन्हीं के साथ डांस सीख रहा हूँ। आरिफ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब भी इसको कोई डांस का कोई फॉर्म सिखाया तो उसको सीरियस लेके सिखाया और उस पैटर्न को जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसको करने की ज़्यादा इच्छा रहती है, जो चीज़ नहीं होती है उसको इंटरेस्ट लेके करता है। इसलिए मुझे सबसे अच्छी खूबी इसकी यही लगती है। मेरा सपना है कि मैं डांसर और एक्टर बनूँ, इसलिए DID का मंच देखा तो मुझे भी लगा कि मैं इस मंच तक जाऊँ ताकि दुनिया की नज़रों में आऊँ। रात और दिन आशीष मांगो कि अल्लाह करे गया है तो कामयाब तो बन रही आवे। हमारे पास में कोई इतना धन तो है नहीं जो हम अच्छे से अच्छी कोई ट्रेनिंग दे सकें। अपनी मेहनत से करे, जो भी कुछ करे, जो कुछ होना होगा वो भगवान के हाथ में। पापा जी मास्टर फ्लैग। रेडी? नमस्ते। रेडी एंड म्यूजिक। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अमित जी नमस्ते। आप एक बार पहले भी आ चुके हैं इस मंच पर, मैंने एक बात नोटिस की है। आपके हाथ दिखाइए, आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, आपने हाथों को पेंट किया हुआ है। जी हाँ। इनका प्रोफेशन पेंटर का है। वाओ। अच्छा, इसलिए एक्चुअली अ पेंटर। अच्छा, इस बार आप एक पार्टनर भी लेके आए हैं, इनका तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम आरिफ खान है। और आप क्या करते हैं, आप भी इनके साथ काम नहीं करते जी, हैं? मैं पेंटिंग नहीं हूँ, मैं सिलाई करता हूँ, टेलर। क्या बात है, वाओ। कहाँ पे सीखा आपने ये? मैं खुद ही सिखाता हूँ, 10 साल हो गए। तो आपको वक्त कब मिलता है? आप पेंटिंग करते हो, आप सिलाई करते हो और जाहिर बात है कि ये इसी से आपकी कमाई होती है, तो फिर डांस के लिए टाइम कहाँ से निकालते हो? डांस करने का टाइम निकाला है, फिर करने तो करना है। कब करते? रात को 12 बजे के बाद करो। रात को 12 बजे के बाद? सुबह से लेके शाम तक 6 बजे तक पेंटिंग खत्म, इवनिंग हो गई काम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर डांस क्लास। मेरा डांस स्कूल है छोटा सा, उसमें डांस कोरियोग्राफ करता हूँ। चल सर। आपको बहुत पसंद है डांसिंग? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मुझे एंटरटेनिंग लगा, मुझे अनफिनिश लगा, लेकिन मुझे मज़ा आया। आप पे काम किया जा सकता है लेकिन बहुत मेहनत की ज़रूरत है सर। सर, आपने एक बहुत अच्छा डांस किया और आपकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है, तो आइए और ले जाइए। क्या है
क्या बात है, क्या बात है, बात को इन्होंने आज साबित कर दिया है कि डांस कैन ब्रिंग यू टुगेदर इन एवरी वे. यस.